बीजेपी ने देश के 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में ऐतिहासिक जीत के बाद आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई और पनवेल में ढोल ताज के साथ नाचते गाते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जलोश किया। जिला अध्यक्ष रामचंद्र गरत के नेतृत्व में नवी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जय जयकार करते हुए जमकर नारेबाजी की और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज 5 राज्यों के नतीजे सामने आए, उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जीती। इसी 4 राज्यों के नागरिकों का ये विजय है ऐसा मैं समझता हूँ, उनकी जीत है ऐसा समझता हूँ। उनके साथ साथ हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी, उनकी ही जीत है, क्योंकि उनके ऊपर ये विश्वास रखने वाले नागरिक हैं और उन्होंने आज उनके ऊपर विश्वास दिखा के ये जीत हमें दिलवाई है। साथ साथ में गोवा में हर टाइम कट टू कट सरकार चलती थी, हर टाइम रस्सी खींच चलने वाली सरकार आती थी, लेकिन इस बार इस महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री सन्मानित देवेंद्र जी फडणवीस साहब गोवा के प्रभारी बने और गोवा के प्रभारी बनते ही उन्होंने गोवा में बहुमत की सरकार लाई और आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम के ऊपर सरकार लाएगी। आज 5 राज्यों के चुनाव के निकाल सामने आए हैं, उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी छप्पर फाड़ के जीती है और ये जीत ऐसी है जो कभी भारत में नहीं हुआ, ऐसा चीज आज हुआ है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पिछले बार या उसके पहले 2 या 3 बार सत्ता में रह चुकी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया पड़ाव भारत देश में बनते जा रहा है, जिसमें एक पैरामीटर हुआ करता था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो खत्म हो गया है। अभी इस देश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यानी क्या, तो माननीय मोदी जी अपने योजनाओं के वजह से हर घर में पहुंचे हुए हर नागरिक, हर मतदार को लगता है कि मोदी जी हमारे रिश्तेदार है और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए एक भाई की तरह, एक पिता की तरह कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। इसके वजह से कमल छोड़कर और किसी निशानी पर कोई भी वोट नहीं जा रहा है और इसका परिणाम आज 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। नवी मुंबई मध्ये जे जुलूस दिसून आलेला आहे भारतीय जनता पार्टी यांचं नेतृत्वाखाली, आज जिल्हाध्यक्ष आमचे डॉक्टर रामचंद्र घरजी यांचं अध्यक्ष नेतृत्वाखाली आज हा जुलूस कार्यक्रम आयोजन झालेला। आज जे पूर्ण राज्यात, पूर्ण देशात जे विजय आज भारतीय जनता पार्टीला भेटलेला आहे, 4 राज्यात त्यांनी मोठ्या काउंटमध्ये ते निवडून आलेले आहेत। आज तुम्ही बघाल जे गोवा होते, गोवामध्ये तर जे लास्ट जे रिझल्ट होता त्याच्यापेक्षा जास्त रिझल्ट यावेळी चांगला आलेला आहे। यूपीमध्ये पण सेकंड टाइम सरकार आपली बसलेली आहे। भारतीय जनता पार्टी हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे आज सगळ्यांना दिसून आलं आणि नवी मुंबईचं एकच लोगो मी सर्वांना बोलतोय की भगवा गुलाल की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी, नवी मुंबई मनपा निवडणूक। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।